अप्रैल मई में कौन कौन से प्लांट्स लाने चाहिए नर्सरी से, बस इसी के बारे में आज ये वीडियो है। और देखिए कितने खूबसूरत से ये फ्लावर्स हैं, पॉट्स वगैरह हैं। नर्सरी बहुत ही खूबसूरत है और ये लुधियाना के अगर नगर कॉलोनी में है, अगर नगर के मतलब रोड साइड में है। जैसे कि जैसे यहाँ से हम जाएँ तो बिल्कुल साइड पे ही पड़ता है। साइड में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं और ये तो नर्सरी है बट साइड में भी, रोड साइड में भी लगा के रखते हैं सारे प्लांट्स। बहुत ही खूबसूरत और कुछ महंगे भी लगते हैं और कुछ अच्छे प्लांट्स भी लगते हैं। देखिए इंग्लिश हाईवे कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमें नर्सरी से जैसे कौन से प्लांट्स लेके आना चाहिए अप्रैल मई में, गर्मी में हमें ऐसे प्लांट्स लेके आने चाहिए जो कि हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स दे, जैसे बोगनवेलिया हो गया, मोगरा हो गया और हिबिस्कस हो गया, गुड़हल। गुड़हल के कई कलर्स पाए जाते हैं, रोज भी आप लोग ला सकते हैं, रोज का प्लांट्स ला सकते हैं, पॉर्चुला का ला सकते हैं और जीनिया ला सकते हैं जो गर्मी वाला होता है, कॉस्मोस ला सकते हैं। तो ऐसे कितने फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही आपके गार्डन को डेकोरेट करेगा, शोभा बढ़ाएगा और बहुत ही हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स देगा। सदाबहार हो गया विंका और सनफ्लावर हो गया, ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जो आप नर्सरी से ला सकते हैं। नर्सरी से हम कौन से प्लांट्स नहीं ला सकते हैं, तो नर्सरी से हम जैसे सैकुलेंट वगैरह हो गया वो बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं ज़्यादा और इनकी देखभाल नर्सरी वाले ही ठीक से कर सकते हैं। अगर अच्छी नॉलेज ना हो तो बिल्कुल भी मत लाइएगा। बट कैक्टस वगैरह अगर आप लोगों को पसंद है तो वो लेके आ सकते हैं। बट इस नर्सरी में बहुत ही भर भर के ये सारे सैकुलेंट वगैरह हैं, मैं भी एक लेके आई थी स्ट्रिंग ऑफ बनाना, काफ़ी अच्छे प्लांट्स और हेल्दी प्लांट्स हैं और बॉन्साई वगैरह भी है और इंडोर प्लांट्स की अच्छी खासी वैरायटी है, मतलब कलेक्शन है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स, और लाइक तो बनता है एक, शो आप लोग भी इंजॉय करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इंजॉय करिए फ्रेंड्स।